तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। सी सेट के एग्जाम के बहुत डिमांड आ रही थी कि सर सी सेट के एग्जाम में कुछ डालिए, उसके बारे में, मैथ्स के बारे में डालिए। तो आज प्रॉफिट और लॉस का मैं पहला चैप्टर चालू कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी 2018-19 के लिए, है ना। प्रॉफिट और लॉस चालू कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ बेसिक चीज करा देता हूँ मैं, जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप हम देखा जाए, अगर हम समझे, है ना, कि क्या होता है, अगर बेसिक समझे तो देखो, सिंपल सिंपल समझे, अगर लाभ बराबर क्या होता है, तो वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। और अगर हम समझे लॉस, मतलब हानि बराबर क्या होता है, वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। यही मेन दो फॉर्मूला है जो हमको पता होना चाहिए कि हम कितने में बेच रहे और कितने में खरीदे हैं, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है प्रॉफिट परसेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ प्रतिशत फॉर्मूला। क्या होता है, लाभ अपॉन सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100, तो होता है लॉस परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं, जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि अगर आप इस पे कुछ क्वेश्चन बनाए तो आपको समझ आए कि इसको कैसे बनाना है करके, ठीक है ना। ये फॉर्मूले उन लोग, जिन लोग हिंदी में पढ़ते हैं, वो समझ जाएंगे कि एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब होता है विक्रय मूल्य, है ना। अब मैं कराता हूं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे कि क्या है पहला क्वेश्चन आज का, नहीं किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, है ना। उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ का प्रतिशत मतलब इस फॉर्मूले का उपयोग करना है हमको। तो देखो, इस फॉर्मूले का अगर मेरे को उपयोग करना है, तो मेरे पास लाभ होना चाहिए, मेरे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, और मेरे पास 100 फॉर्मूले का है। अब हम समझेंगे कि पी क्या होता है। पी होता है हिंदी में लाभ, है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदी में बोलेंगे लाभ। क्यों हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे क्रय मूल्य, है ना। ये उसकी बेसिक चीज है। क्वेश्चन में दिया है क्रय एवं विक्रय मूल्य का अनुपात। अनुपात कैसे लिख सकते हैं, देखो पहले मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। कितना दिया है, अनुपात 11। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीपी, इसको बोलते हैं एसपी। अब समझिए कि 10 में खरीदा और 11 में बेच दिया, तो यहीं से हमको दिख रहा है कि हमको 1 रुपए का लाभ हुआ। उस लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। तो बोला है लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ का प्रतिशत मतलब वो प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला था पी मतलब लाभ ऊपर हो जाएगा, लाभ कितना है 1, सीपी मतलब सीपी मेरे पास कितना है, इसका क्रय मूल्य कितना है, वो है मेरे पास 10, और फॉर्मूले का 100, ये 0 से 0 कटा और आपका 10% उत्तर आ गया, मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लाभ हानि का, पर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको उसको देखना है और सीखते हुए उसको करते हुए चलना है, ठीक है ना। वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको समझ आए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आ ने एक साइकिल बा को 20% लाभ पर बेच दी, तथा बा ने इसे सा को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि आ ने इसे 1500 रुपए में दिए हो, तो आ ने इसे कितने में खरीदा। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से बना चुके होंगे, ऐसे करना वैसे करना है। मैं इसे एक सिंपल मेथड समझाता हूं आपको, जो आपको ये समझ आएगा कि आपको सॉल्व कैसे करना सवाल। देखो हमारे पास जो आखिरी शब्द है वो क्या शब्द है, हमारे पास जो आखिरी शब्द है वो है खरीदा। क्या शब्द है, हमारे पास जो आखिरी शब्द है खरीदा, है ना। तो जो खरीदा मतलब क्या होता है, खरीदा मतलब होता है सीपी। क्या होता है, सीपी। खरीदा मतलब क्या होता है आपका, सीपी होता है। जब भी सीपी पूछेगा या क्रय मूल्य पूछेगा, तो आपको एक पैटर्न याद रखना है, मतलब आपको रुपए इंटू 100 ऊपर होगा और जोड़ना और घटाना नीचे होगा। अब ये पैटर्न में जोड़ना घटाना क्या है, अगर लाभ आएगा तो जोड़ेंगे और हानि आएगा तो घटाएंगे, ठीक है।
और रुपए क्या है जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे हमको कितना दिया, हमको 1500 रुपए दिया है, वो रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यही बस मेथड को याद रखना है। अगर मैं सॉल्व नहीं जाऊं तो मेरे को कुछ नहीं करना है। रुपए कितना दिया क्वेश्चन में, 1500 रुपए को मैं यहाँ पे रख दिया, 100 ऊपर है। अब पहला लाइन पढ़ता हूँ, 20 आ ने एक साइकिल को बा को 20% लाभ पे बेचा, तो 100 में अगर 20% लाभ कैलकुलेट करूंगा तो कितना हो जाएगा वो 120। फिर ब ने इसे सब को 25% लाभ पे बेच दिया, फिर वही कहानी, 100 ऊपर 25% लाभ, 100 में कितना हो जाएगा 125। यदि स ने इसे 1500 रुपए बेचा था, 1500 में यहाँ पे लगा दिए हैं, तो आ ने इसे कितने में खरीदा, वही खरीदा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको बस याद रखना है, अगर जब भी क्रय मूल्य पूछेगा, खरीदा पूछेगा, तो 100 ऊपर रहेगा और जोड़ना घटाना नीचे रहेगा। आप काट दीजिए, देखिए, देखो ये जीरो से ये जीरो कटा, 25 और 100 25 125। देखो 5 एकम 5 और ये हो गया 5 दिया आपका 5 दिया 15, 4 एकम 4 और ये हो गया आपका 4 दिया 12, है ना, 1 एकम 3 और ये कितना हो गया 3 एकम 300 और यहाँ पे एक शून्य बचा है अपने पास, तो मेरा आंसर आ गया 1000 रुपए। मतलब ऑप्शन ए आपका ये सही आंसर है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, जो भी नए बच्चे होंगे इसको सीखेंगे, है ना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगला क्वेश्चन हमारा किस टाइप से बनेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्वेश्चन में बने रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है हमारे, है ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो आखिरी शब्द देखेंगे हमेशा, क्या देखेंगे हम लोग, आखिरी शब्द कि आखिरी शब्द में क्या दिया हुआ है, आखिरी शब्द में क्या दिया हुआ है। तो आखिरी शब्द क्या दिया है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या दिया है विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जब इसको नोट बना के लिखेंगे, नोट आप समझेंगे, इसको याद करेंगे, जब प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछेगा और जब प्रश्न में विक्रय मूल्य पूछेगा और दो बार परसेंटेज दिया होगा तब हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले का क्या फॉर्मूला है, x इंटू सेकेंड परसेंटेज बटे फर्स्ट परसेंटेज। अब यहाँ पे x है, x आपका रुपए है, है ना, x आपका रुपए है, है ना। अब देखो रुपए कितना दिया है प्रश्न में, 48 रुपए, तो x की जगह पे मैं यहाँ पे रखूंगा 48 रुपए। सेकेंड परसेंटेज, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखो हर चीज को हम मान के चल चलेंगे 100%, 20% की हानि होती है, मतलब कितने की हानि हो रही है 80 की, और उसी वस्तु पे 20% लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 120 का। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया, बस रख दो, सेकेंड में कितना है 120 और फर्स्ट में कितना है 80। 8 एकम 8, 8 छक्के 48 और 12 छक्के 72 रुपए आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, मतलब आंसर भी आपका। बस आपको ये नोट याद रखना है, क्या नोट याद रखना है जो मैं लिखाया हूँ। आज 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं समझने के लिए, कल से मैं रेगुलर मैथ्स के भी, मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं डालूंगा, और नए यूजर होंगे तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, और जो पहले सब्सक्राइब किए लाइक कीजिए, कम से कम 1000 लाइक चाहिए मेरे को इसमें, कम से कम, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।